चलिए नेक्स्ट हमारे पास है बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी। ये क्या कहती है, ध्यान से सुनना। बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी, देखो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा था कि छोटी साइकिल यानी कि स्मॉल नंबर ऑफ कार्बन साइकिल्स आर लेस स्टेबल। तो पहला पॉइंट ये था, स्मॉल नंबर ऑफ कार्बन एटम साइकिल आर लेस स्टेबल। ड्यू टू हाई बॉन्ड बॉन्ड स्टेरिक हिंड्रेंस। देखिए पहली बात तो ये बता दी, यानी छोटी साइकिल में बॉन्ड बॉन्ड एक दूसरे को बहुत रिपेल करेंगे क्योंकि बॉन्ड पास पास आ गए, सिग्मा बॉन्ड, और वो काफी अनस्टेबल होंगे। तो मैं बता रहा हूं आपको लिए साइक्लोप्रोपेन में एग्जाम्पल, साइक्लोप्रोपेन साइक्लोप्रोपेन से ज्यादा स्टेबल होगा साइक्लो ब्यूटेन, और साइक्लोब्यूटेन से ज्यादा होगा साइक्लोपेंटेन। तो इसको हम अभी दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, बस फिर एक साथ देखेंगे। ये है हमारे लिए दस। आप बताइए यहां पर बॉन्ड एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, और यहां कितना है आपके पास, 90 डिग्री, है या नहीं है? है। तो आप मुझे बताइए कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है इसमें, जल्दी से बताएं हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है इसमें, sp3। तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। सेम चीज यहां पर भी हो रही है। तो यहां बॉन्ड एंगल हिंड्रेंस कितनी आ रही है, एंगल की बात करें, या एक दूसरे से बॉन्ड बहुत पास आ गए, होने चाहिए 109 पर और आ रहे हैं 60 पे, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। आपको होना ये चाहिए था, आप यहां आने की कोशिश कर रहे हो तो टूट के वापस बाहर जाने की कोशिश करोगे तो रिपल्शन बहुत ज्यादा है। तो बॉन्ड डिफरेंस कितना है यहां पर, बॉन्ड एंगल डिफरेंस, वो है आपके पास बॉन्ड एंगल डिफरेंस 109 डिग्री 28 मिनट में से आप 109 डिग्री 28 मिनट को 0.5 लिख दो, -60, 49.5, और यहां आपके पास आ जाएगा 109 डिग्री माइनस दिस 90 बिकम 19.5। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली तो साइक्लो ब्यूटेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोप्रोपेन, ये रिजल्ट हो गया आपका। तो ये ऐसा कहता है कि सबसे, अगर हम बात करें साइक्लिक कंपाउंड में, तो ये हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है, तो यहां से यहां तक तो आपको बताना पड़ेगा स्टेबिलिटी ऑर्डर बढ़ेगा ड्यू टू इस तरफ जाने पे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इनक्रीजेस ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस बिटवीन सिग्मा एंड सिग्मा बॉन्ड।
दो सिग्मा बॉन्ड के बीच में, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है। फिर उसके बाद ये चीज कम हो जाएगी। यहां ऐसा क्या रीजन हुआ कि इस जगह हमारे लिए, यानी इस जगह स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, उसका रीजन है बिकॉज साइक्लोहेक्सेन इज एक्स्ट्रा स्टेबल ड्यू टू स्टेबल 3D डिस्ट्रीब्यूशंस। ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, तो अलग ही तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है। ये पता है इस तरह से रहती है कि आपको सबसे कम स्टेरिक हिंडेंस दिखता है, यानी कि साइक्लोहेक्सेन ऐसे नहीं दिखती जैसे मैंने बनाया, ऐसे होती है। और ये फ्लिपिंग इफेक्ट की वजह से इस तरह से चेंजेस होती रहती है। और हाईली स्टेबल, यानी ये इसमें कन्वर्ट होता है, ये स्टेप में कन्वर्ट हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं आती। इसके लिए आप चाहे तो मेरा कन्फर्मर्स वाला देख सकते हैं पॉइंट्स, जो मैंने आपको अलग से पढ़ाया, कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो ये हाईली स्टेबल है, क्लियर है? तो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल है? साइक्लोहेक्सेन, फिर उसके बाद सब कुछ आते हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी है।